2019 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करने के बाद मोदी सरकार लगातार जनहित में बड़े बड़े फैसले ले रही है। अब सभी की निगाहें नई सरकार के पूर्ण बजट पर टिकी हैं। पिछली सरकार में रक्षा मंत्री रही निर्मला सीतारमण को प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार देश के वित्त मंत्री के नाते जिम्मेदारी सौंपी है। देश की नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भारतीय अर्थव्यवस्था के नजरिए से बहुत संतुलित बजट पेश करने का दबाव है। इसी बीच भारतीय उद्योग जगत ने सरकार से इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग की है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने इसी साल अंतरिम बजट पेश होने से पहले जनवरी में ये मांग की थी। वहीं अब एसोचैम ने भी सरकार से इस बजट में आयकर छूट सीमा 5 लाख तक करने की अपील की है। एसोचैम ने वित्त मंत्रालय को सौंपे अपने ज्ञापन में महंगाई का हवाला देते हुए अपनी मांग पर विचार करने का आग्रह किया है। संगठन ने यह भी कहा है कि वेतनभोगी कर्मचारियों और कारोबार या पेशेवर काम में लगे लोगों के बीच आयकर को लेकर असमानता है। नतीजतन वेतनभोगियों को अन्य के मुकाबले अधिक टैक्स चुकाना पड़ता है। एसोचैम ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 40,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की अपील की है। संस्था का मानना है कि इससे सभी करदाताओं को मानक छूट का लाभ मिल सकेगा, जो सभी के लिए ठीक रहेगा। अगर लोगों के पास खर्च करने लायक पैसे ही नहीं छोड़े जाएंगे तो लोग खर्च कैसे करेंगे। टैक्स पेयर्स को एक्सपेंस के लिए अधिक इनकम की पैरवी करते हुए एसोचैम ने कहा कि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट और हॉलीडे ट्रैवल एक्सपेंसेस में भी राहत दी जाए। अभी छूट सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस तक ही सीमित है। भारतीय उद्योग जगत ने धारा 80C के तहत छूट की सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा है कि बचत को बढ़ावा देने के लिए आयकर कानून की धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट की सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाना चाहिए। बच्चों की शिक्षा के लिए मिलने वाली छूट को भी अधिकतम 2 बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे पर 1,000 रुपए मासिक की असल खर्चे में जो कम हो उसकी छूट दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना पहला बजट पेश करने जा रही हैं। पहले ही बजट में उन्हें सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ते एनपीएस, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चुनौतियां, रोजगार के मुद्दे, निजी निवेश, कृषि संकट जैसी चुनौतियों पर फिस्कल स्थिति पर असर डाले बिना काम करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 जून से 23 जून के बीच अर्थशास्त्रियों, बैंक अधिकारियों, वित्तीय संस्थान तथा उद्योग मंडलों से मुलाकात करने वाली हैं। उम्मीद है इन बैठकों से टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर आएगी।